सो यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना एक ही टेक्निकल पॉइंट। तो भाई लोग, इस वीडियो पर हम लाइक एम कर रहे हैं पूरे के पूरे 22,000 लाइक का। और उम्मीद कर दोगे मेरे जितने भी भाई लोग हैं, हमारे 22,000 लाइक का एम जो है कंप्लीट करवा ही देंगे, किसी भी हालत में जो है एम कंप्लीट करवा ही देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का क्या सीन है दोस्तों, अभी तो फ्रैंकलिन बैठा हुआ है और ये जो घर है ये हमारा घर नहीं है, बेसिकली मैं बता दूँ, ये एक दोस्त का अपार्टमेंट है। यहाँ पर मैं छुपा हुआ हूँ, ट्रेवर सैंडी शॉर्स भाग गया है, ठीक है। और जो माइकल दादा है वो अपने घर, अपने फैमिली को तो उन्होंने भेज दिया है नानी के घर, और वो खुद भी किसी अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं, ठीक है। जब से कल अभी ये हुआ था कि उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया था, तो तब से माइकल दादा बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली को माइकल, जिमी और जिमी, ट्रेसी और अमेंडा को जो है उनकी नानी के घर भेज दिया, यानी कि अमेंडा की मम्मी के घर, ठीक है। अपने ससुराल जा चुकी हैं, वो मायके जा चुकी हैं, ठीक है। और माइकल दादा भी कहीं रह रहे हैं। तो माइकल दादा ने ये कहा है हमें कि वो जो बालाज हैं, उनकी जो वो गाड़ी है, जो भी सियान है, ठीक है, वो उस गाड़ी को शायद ट्रैक कर पा रहे हैं। माइकल दादा को ऐसा लग रहा है, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि ये गाड़ी को जो है ट्रैक कर पा रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा सीन है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। तो पहले तो माइकल दादा कहने लग गए कि हमें इस गाड़ी को है ना कहीं ऐसी सीक्रेट लोकेशन पर दोस्तों छुपा देना चाहिए, आई मीन लॉस सैंटोस से दूर कहीं पर भी, ठीक है। तो गाड़ी को है दोस्तों हम यहाँ से दूसरे देश लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और दो तीन लोकेशंस हैं जो माइकल दादा ने मेरे को सजेशन में दी हैं कि तुम यहाँ नहीं वहाँ लेकर जा सकते हो उस गाड़ी को, कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मुझे माइकल दादा को पिकअप करना है, वो यहीं पर दूसरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है। उनको पिकअप करने के बाद फिर हम सब जाएंगे मेरे घर, और मेरे घर से हम उस गाड़ी को जो है दोस्तों उठाने वाले हैं। और उठाने के बाद हम देखते हैं कि हमें उस गाड़ी को कहाँ पर छुपाना चाहिए, क्योंकि यार वरना ये जो बालाज है ना ये हमारा पीछे छोड़ने नहीं वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले माइकल दादो को पिकअप करते हैं, देन आगे मिलते हैं। सो गाइस, बिल्डिंग तो ये वाली है जिसके अंदर मैं रह रहा था अभी ऊपर, ठीक है। और गाड़ी भी कोई हम अपनी तो लेकर नहीं जाने वाले, क्योंकि भाई फिलहाल तो अपनी गाड़ियों का बस ऐसे ही बंदोबस्त हो रहा है कि कहीं बालाज मिल जाए और अपनी गाड़ी ना उठाई ली जाए। तो मैं ये लेके आया था किसी गाड़ी उठाकर, उठाई नहीं है दोस्तों भी। चलो माइकल दादा को मिलना है, सबसे पहले मुझे माइकल दादा को लेने जाना है दोस्तों। माइकल दादा कुछ ज़्यादा ही डर गए यार एक छोटी सी इसको चीज़ को लेकर के, भाई तूने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोई पंगा ले लिया बालाज की गाड़ी को चुरा कर। और दोस्तों मैं लिटरली बताऊँ यार, मैंने कोई ऐसा पंगा नहीं लिया है और ना मुझे लगता मैंने कोई पंगा लिया भाई। अब वो गाड़ी इतनी रेयर है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। पहले भी ये हो गया था, और अभी जो हमने बैंक में चोरी करी, अभी कल हमने जो बैंक में चोरी करी थी वो बैंक चोरी करने गया, अब सारे बैंकों में इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हो गई कि हम बैंकों में चोरी भी नहीं कर सकते। पहले मैंने सोचा कि मैं सारे बैंकों में चोरी कर करके जो है ये पैसे इकट्ठे कर लूँगा, बट नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है दोस्तों। यहाँ पर बैंक में पता अब बहुत ज़्यादा वो है। अब दोस्तों मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पर है कैसीनो, मैं आपको दिखाऊँ। सबसे पहले तो आज मैं अपनी वो गाड़ी को जो है पहले छुपा देता हूँ बालाज से कहीं दूर ले जाकर। और यहाँ पर दोस्तों एक डायमंड कैसीनो है, ठीक है। अगर हमें एक बार में चोरी करनी है और बिलियनों में पैसा चाहिए ना, तो हमें डायमंड कैसीनो में ही मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। वो पैसा मिलेगा हमें डायमंड कैसीनो के अंदर ही, और हमें डायमंड कैसीनो में ही चोरी करनी पड़ेगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो डायमंड कैसीनो में तो चोरी हम कर ही लेंगे यार, इतना भी मुश्किल नहीं है वहाँ पर, बस उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है उसकी सिक्योरिटी। अभी सबसे पहले मुझे माइकल दादा को लेने का है यार। अरे आराम से भैया, कहाँ घुसेड़े जा रहे हो? माइकल दादा भी हैं किसी होटल में ठहरे हुए हैं, अब ये नहीं पता मुझे कौन से होटल में भाई, हूँ बता तो नहीं रहे थे कोई से मैं हूँ। यहीं गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से इसी होटल में ठहरे हुए हैं, आई थिंक सो। फोन करके बुलाता कि भाई नीचे आ जाओ, मैं नीचे आ गया। उन्होंने मेरे को इसी जगह बुलाया था कि फ्रैंकलिन इसी जगह आ जाना और फिर हम सीधा यहाँ से चलेंगे। तो मैं माइकल दादा को बस यहीं से फ़ोन करके बुलाता कि भाई आ जाओ चलो,
तो भाई रात को नींद भी आ भी गई थी या फिर नहीं आई थी? माइकल दादा पूछ रहा हूँ कि भाई रात को नींद भी आ भी गई थी या नहीं आई थी, या फिर रात को पूरी रात भाई डरते ही रहिए कि पुलिस वाले अब ना आ जाए अपना पकड़ ले, बालास वाले अब ना आ जाए अपना पकड़ ले। पहले हमने सोचा भी कि हम पुलिस वाले को थोड़ा सा अपना वो दे देते, चलो बैठो गाड़ी में बैठो पहले चलो। तो माइकल दादा ने और मैंने ये सोचा भी कि हम पुलिस वालों को अपना वो दे देते हैं, आई मीन बता देते हैं ठीक है पूरा कि हमने कौन कौन से जुर्म कर रखे हैं ये वो। तो सबसे पहले तो बालाज हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बालाज गैंग ठीक है। तो अगर मैं बता भी दूँ ना तो फिर वो क्या होगा, पुलिस वाले अभी तो पूछेंगे तुमने क्या जुर्म किया जो वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनको तो पकड़ेंगे नहीं क्योंकि भाई उनकी बहुत चलती है शहर के अंदर ठीक है। और अगर हम ये बोलेंगे हमने गाड़ी चुराई है उनकी तो एक मिनट में हम अंदर हो जाएंगे, इसलिए हम पुलिस की भी मदद नहीं ले सकते यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम पुलिस की भी मदद नहीं ले सकते। और मुझे उस गाड़ी को अपने घर से तो चुरानी ही पड़ेगी, अभी तो उन्होंने मेरे पुराने घर पे ही हमला किया था, कहीं मेरे नए वाले घर पे ना कर दे उससे पहले कि वो मेरे नए वाले घर पे के बारे में उन्हें पता ही चले। लगता है यहाँ पर कुछ है। Hey, you, get over here! Can you give me a ride past them, please? I'm hardly wearing any makeup. चल बैठ जा मैडम, बैठ जा। Come on, quick, get in. हम एक नागरिक हैं बहुत अच्छे, हम छोड़ देंगे आपको। Oh shit, here they come! Go, go, go! Lose them! Man, sorry, oh my god, you're crazy! I'm out of here! Oh shit! मैडम जी तुम्हारी मदद करना हमारा धर्म है, अब तो तुम किडनैप हो गई मैडम जी, अब तो तुम किडनैप हो गई। Holy fuck! Asshole! होगी हीरोइन अपने घर की ठीक है, यहाँ की नहीं लगती कुछ भी। आई पड़ी गाली कैसे दी तूने, गाली कैसे दी, हीरोइन होगी भाई फिल्म इंडस्ट्री की, यहाँ की कोई नहीं है, गैंगस्टर वर्ल्ड ठीक है, गैंगस्टर वर्ल्ड में कुछ नहीं चला करता है, हीरोइने पीरोइने जो भी आ रखी हैं। चलो भाई साइड हो जाओ, आए बड़े हीरोइन बनने हैं दोस्तों, हीरोइन बनने आ रही हैं, हीरोइन बन के दिखाएंगी। पर मुझे सबसे पहले एक कार्गो प्लेन भी चाहिए वहाँ पर उस गाड़ी को ले जाने के लिए। हाँ टू क्लोज तो है पता है, चुप रह तू तो चुप ही रहा कर फ्रैंकलिन, पहले तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, पहले तूने वो गोल्ड कलर की लैम्बोर्गिनी अगर ना चुराता ना वहां से, गोल्ड तो तूने करा दी, पर तुझे क्या लग रहा था कि बालास पीछा छोड़ देंगे, घंटा जी बालास छोड़ा करते पीछा। अब यार दोस्तों बालास से बस मैं क्या करूं, ऊपर से शहर में लोग इतनी हल्की हल्की गाड़ी चलाते रहते हैं, क्या करूं यार मैं इनका। कभी कभी हमें अपनी गाड़ी के ऊपर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहता है दोस्तों, हम अपनी गाड़ी का कंट्रोल भूल जाते हैं, तो कभी कभी इनकी गाड़ी का कंट्रोल कहाँ से याद रहेगा, तुम ही बताओ ना कहाँ से याद रहेगा। कभी कभी देखो ए हे हे सड़क को क्या हो रहा है, ए हे व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन विद माय सड़क ब्रो। चलो तो कभी कभी दोस्तों हमें यही नहीं याद रहता कि जा कहाँ रहे हैं, लाना कहाँ से है, गाड़ी कहाँ से उठानी है, बस ये चीज़ें ठीक है। अभी वो तो अच्छा हुआ कि किसी को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चला ठीक है दोस्तों, वरना अगर पता चल जाता ना तो भाई ज़्यादा बहुत बड़ी वो हो जाती, फिल्म पिट जाती, समझ रहे हो, इसीलिए सही है यार जो नहीं पता चला। और मैंने तो मेरी जितनी गाड़ियाँ थी ना घर में मेरी जितनी खड़ी थी, क्योंकि भाई क्यों गाइस मेरी यहाँ पे दो तीन गाड़ियाँ थी, एक थी मेरी AK-47 वो गोल्ड में है, रोल्स रॉयस है, फिर वो प्रधानमंत्री की गाड़ी जो मैंने चुराई थी भाई वो है ठीक है, और एक दो गाड़ियाँ और हैं, और मेरी बाइक्स जो थी इन सबको तो भाई मैंने अंडरग्राउंड कहीं एक बहुत ही टॉप सीक्रेट जगह पर छुपवा दिया है ठीक है, वहाँ तो इनका बालास का बाप भी नहीं पहुँच सकता जहाँ पर मैंने छुपवा दिया। मेरे घर में तो सिर्फ वही गाड़ी खड़ी है जो मैंने इनकी चुराई थी, ताकि ये अगर मेरे घर पर भी हमला करे ना इन्हें वो गाड़ी दिखे ही ना, सही है ना दोस्तों। अब मेरा घर पीछे चला गया, आ जाओ पीछे वाले रास्ते से लेकर चलता हूँ तुम्हें, मेन रास्ते जाकर क्या करोगे, जल्दी आओ जल्दी आओ।
तो गाइज हमें वो जो गोल्ड में जो गाड़ी थी हमें यहाँ से उठानी है अपने घर से। मैं तो अपनी सारी गाड़ियाँ भिजवा दी यार दोस्तों, यहाँ पर रख कर करूँगा मैं क्या। अब इसकी चाबी तो अंदर रखी है, सबसे पहले इसकी चाबी उठा कर लाता हूँ। अब आई डोंट नो यार मैंने कहाँ रख दी होगी। सबसे पहले गाइज मुझे उठानी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों अगर इस वाले मेरे घर में हमला कर दिया ना भाई, इसमें मैंने बहुत पैसा लगा रखा है दोस्तों, ऐसी तैसी हो जानी यार हर चीज़ की। और मैं चाहता भी नहीं मेरी यार किसी चीज़ की ऐसी तैसी हो उन फुद्दुओं की वजह से। ठीक है अब सबसे पहले ऊपर चलते हैं। अरे यार मैकडोनल्ड्स में कहाँ आ गया मैं। एक तो मुझे मेरे घर के स्टेयर्स भी नहीं पता किधर हैं। ऊपर वाले कमरे में रख रखे मैंने इस गाड़ी की चाबी। अबे यार यहाँ से चलते हैं ऊपर। चलो या तो टीवी चल रहा है तो शायद यहाँ पर चाबी रखिए। तो गाइस यार चाबी उठाकर मैं सीधा आपको नीचे मिलता हूँ, फिर गाड़ी को लेकर हम भाई कहीं टॉप सीक्रेट लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर इस गाड़ी के बारे में किसी को भी यार पता ना चले। सो या गाइस हमने इस गाड़ी को जो है गैराज से निकाल तो लिया है, पर दोस्तों गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चमक रही है और यार इस गाड़ी को मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता यार, बिल्कुल भी। ऐसा लगता है यार जान है इस गाड़ी के अंदर। देखो बालाज की गाड़ी है दोस्तों, बालाज इसके नंबर प्लेट पर भी लिखा हुआ है। गाड़ी देख लो अंदर से कैसी है, और मैंने प्योर गोल्ड भी करवा रखी है मेरे रोल्स रॉयस। चलो मेरे रोल्स रॉयस ही खड़ी है यहाँ पर एक गाड़ी गैराज के अंदर, इसको भी भाई भिजवानी है। सो गाइस सबसे पहले मुझे दो यहाँ पर दो काम करने हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ क्या करता हूँ, हमें जाते हैं सबसे पहले माइकल दादो को मैंने कहा माइकल दादा एक कार्गो प्लेन का इंतज़ाम करेंगे। कार्गो प्लेन के इंतज़ाम करने के साथ साथ हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों, इस गाड़ी को यहाँ से लोड कर कर एक लोकेशन है, ठीक है वो लोकेशन कहाँ पर है, वो लोकेशन यहाँ पर है कहीं पानी के बीच में। तो पानी के बीच में है ना एक सीक्रेट टॉप सीक्रेट शिप खड़ा है जहाँ पर एक एयरपोर्ट बना हुआ है, तो हम इस गाड़ी को टॉप सीक्रेट को वहाँ पर छुपा सकते हैं। बट उसके लिए हमें सबसे पहले लॉस सैंडी शॉर्स कस्टम्स एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं इस गाड़ी के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, पाताल तक भी जा सकता हूँ भाई मैं, वैसे गाड़ी बच जाए मेरी। बालाज को भाई ये कार किसी भी कीमत पे नहीं देनी मुझे, अगर बालाज को दोस्तों देनी होती तो मैं भाई कब की ना दे देता। इतनी मेहनत क्यों करता है, इतनी लड़ाई क्यों करता है दोस्तों, एक सिर्फ एक कार के ऊपर इतनी लड़ाई क्यों करता, क्योंकि भाई ये गाड़ी नहीं दोस्तों कुछ और ही चीज़ है ये। बहुत ही ज़्यादा सही गाड़ी है, बहुत ज़्यादा सही कार है दोस्तों, इसीलिए यार इस कार को ऐसे देने का ना मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी ये भाई ना, बिल्कुल इस कार के पीछे लड़े हम ना कुछ। और एवरेज इस कार का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरी AK-47 से तो बहुत ही ज़्यादा दे देती है। AK-47 बहुत कम एवरेज देती है, बट AK-47 है भाई, उसका पिकअप AK-47 जैसा ही है, एकदम गोली की तरह भागती है वो, ठीक है। तो भैया हमें दो काम है, सबसे पहले तो हमें इस गाड़ी को जो है मतलब एक कार्गो प्लेन चुराना पड़ेगा, वो चुराएंगे हम यहाँ से, ठीक है। और इस कार को हम खड़ा करेंगे सैंडी शोर्स। चलो सैंडी शोर्स का जो एयरपोर्ट है ना, हम इस कार को वहाँ पर खड़ा करने वाले हैं, मिलिट्री बेस से हम चुराएंगे एक कार्गो प्लेन, और कार्गो प्लेन में इस गाड़ी को रख कर हम सीधा निकलने वाले हैं उस जगह पर, क्योंकि ऐसे तो कोई चीज़ भी नहीं है ना हमारे पास जिस चीज़ में हम इस गाड़ी को उड़ा कर वहाँ तक ले जा पाएँ। तुम बताओ दोस्तों, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलो हट जाओ, ओ दादाजी हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बढ़िया। सबसे पहले तो भाई मुझे प्लेन का इंतज़ाम यहाँ पर करना ही होगा किसी भी हालत में, अगर प्लेन का इंतज़ाम नहीं हो पाया ना भाई तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। प्लेन का इंतज़ाम तो करना ही होगा। चलो माइकल दादा चलो चलो चलो, अभी हम इस गाड़ी को छुपाने को तो हम यहाँ सैंडी शोर भी छुपा सकते हैं, बट यार उन लोगों के ना खबरी बहुत ही ज़्यादा है, और खबर ना उनके पास तक ना किसी तरह तो पहुँच जाएगी कि भाई तुम्हारी गाड़ी को उन लोगों ने यहाँ पर छुपा रखा है तुम आ जाओ, ये वो बहुत चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला, इसलिए मैं इस गाड़ी को कहीं और ही छुपा दूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
क्यों है ना। नहीं दोस्तों मेरा तो यही कहना है, ठीक है। आप बाकी आप सब लोग क्या कहना चाहते हो एक बार कमेंट करके आप भी बताइएगा कि मुझे इस गाड़ी को अगर और कहीं छुपाने की जगह हो तो, ठीक है। पर मेरे ख्याल से हट जाए यार, पर मेरे ख्याल से तो टॉप सीक्रेट जगह है ना वो यही है, टॉप सीक्रेट जगह तो यही है। इसके अलावा और कोई जगह तो देखो दोस्तों दिखती भी नहीं मेरे को, ठीक है। चलो आओ माइकल दादा, इस गाड़ी को तो अरे आराम से यार, इस गाड़ी को तो यहीं खड़ी करो। इतने हमें कार्गो प्लेन चुरा कर लाना है। सबसे पहले इस गाड़ी को ले जाने के लिए गाइस हमें कार्गो प्लेन की भी ज़रूरत होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर एक ही बंदा बैठ सकता है क्या? ओ शिट, ये तो टाइम लैप चल गए थे भैया जी, ये तो करने ही नहीं हमें, ये तो करने ही नहीं हमें। तो सबसे पहले हमें एक प्लेन की ज़रूरत होने वाली है मिलिट्री बेस जाने के लिए। तो सबसे पहले यार मुझे ट्रेवर को फ़ोन करना पड़ेगा, सॉरी ट्रेवर को नहीं रॉन को फ़ोन करता हूँ। रॉन का नंबर है क्या मेरे पास? ब्लिप सर्विस को फ़ोन करता हूँ, शायद ये मंगवा दें। सो गाइस यहाँ पर हो चुका है फुल टू रेडी मामला, और ये जो प्लेन है ये कोई ब्लिप सर्विस ने ही मंगवाया। मैंने फिर ट्रैवर को फ़ोन करा, फिर मैंने रॉन को फ़ोन करा, तो ये पुराना सा जहाज़ रॉन ने दिलवाया हमें। उसने कहा है कि जहाज़ की तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बस तुम ये एक बार सामान ले आओ। मैंने कहा ठीक है भाई, एक बार ये सामान का मामला हो जाए ना, और फिर अपनी बस गाड़ी को हमने थोड़ा पीछे वाली सीक्रेट लोकेशन पर भी खड़ा करवा दिया। उसने कहा हम पहले गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी ना, मैंने हटवा भी दी यहाँ से मैंने गाड़ी की। हमने उसने कहा कि थोड़ा पीछे को लगा दो तुम अपनी गाड़ी को, क्योंकि यहाँ से ये जो ये पीछे मैकेनिक है ना कुछ छेड़खानी कर सकता था तुम्हारी गाड़ी के अंदर। मैंने कहा ठीक है, तो उसने पुराने से जहाज़ का इंतज़ाम करवाया। उसने कहा जहाज़ की चलो कोई भी दिक्कत मत लेना तुम। मैंने कहा ठीक है माइकल दादा, बैठ जाओ तुम भी। उड़ाऊँगा तो मैं, माइकल दादा तो फिर बैठने वाले हैं। माइकल दादा को बताओ क्या लग रहा है, माइकल दादा को ये लग रहा है हम पहले ही मर जाएंगे इस प्लेन में वहाँ पहुँचने से पहले ही। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चलो मैं इस प्लेन को उड़ाऊँगा 100 से ऊपर की स्पीड पे। पहली बात तो सीधा ही चल ले, बढ़िया। तो गाइस प्लेन उड़ चुका है, ओके। और ऊपर से तो भाई देखो पूरा खुला ही हुआ है, ठीक है, और ख़त्म सा ही है। ज़्यादा इसको आप ऊपर भी नहीं लेकर जा सकते हो, ज़्यादा ऊपर लेकर जाओगे क्या घंटा कुछ नहीं होने वाला भाई, ये सीधा गिरेगा ही नीचे ही लाकर। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा ऊपर भी ना चढ़ाएं, ठीक है, और ज़्यादा नीचे भी नहीं, बस अपना ठीक ठीक पे एक उस पे जो चलता रहेगा वो सही है। चलो ये मुझे ऐसा लग रहा है इसके पंखे खुद ही अपने आप उड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, OMG। चलो आराम आराम से, नीचे से उसका धुआं निकलता है क्या? तो मिलिट्री बेस तो हम पहुंच ही जाएंगे किसी ना किसी तरह, तो जान पहचान तो बहुत है। और यहाँ प्लेन से क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्लेन की एंट्री है, प्लेन एकदम एंटर भी कर जाएगा दोस्तों, ठीक है, ज़्यादातर पता भी नहीं चलेगा। पर यहाँ पर ना कार से आते तो बाहर ही रोक लेता, और हम इनके टावर के उसमें। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ शिट भाई हमें मार रहे हैं क्या? छुप जाओ माइकल दादा, छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, थोड़ी देर छुपो, छुप जाओ थोड़ी देर छुप जाओ, लगता है छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। शिट माइकल ऐसी कैसे सा दो, ओके तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी दोस्तों सबसे पहले हमें जो करना है ना इनसे बच बचा के, सबसे पहले हमें टाइटन को चोरी करना है, TN-100 को, किसी की बदौलत जा पाएंगे वहाँ पर। चलो माइकल दादा जल्दी आओ जल्दी आओ। माइकल दादा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ।
माइकल दादा बैठो। अरे यार ये पेट्रोल ना, ये पेट्रोल के चक्कर में प्लेन प्लेन भी नहीं चल पा रहा। देखा भाई मुझे लगता है सबसे पहले इनकी ऐसी तैसी करता हूँ, जो पीछे आ रहे हैं ना ये, इनकी ऐसी तैसी करता हूँ, दूर तुम्हारी तो ऐसी तैसी। बेटा हमारे पास और भी क्या है, चलो मिलिट्री बेस वालों दूर तुम्हारी तो ऐसी। ओ मेरे बेटे, ओ हो 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 हो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दोस्तों, ये वाला प्लेन लेकर जाएंगे हम, ये वाला एक बार इनसे वो हो जाए। तुम अपना हेलीकॉप्टर खोदोगे, खो दिया हेलीकॉप्टर भी जेट भी, खोदी दोनों चीजें। चलो माइकल दादा फटाफट बैठो, हम इस वाले प्लेन को लेकर निकल सकते हैं। चलो गाइज हम इस वाले प्लेन को लेकर निकलेंगे टाइटन को, और फटाफट बस कांडबाजी पूरी कर देनी है। फाइनली यार हम यहाँ पर ले, यार यहाँ पर गोलियों के निशान देख रहे हो भाई, इस प्लेन पर कितने ज़्यादा लग गए, देख रहे हो भाई लोग गोलियों के निशान देख रहे हो इस पे प्लेन पर कितने लग गए यार टाइटन पे। भाई आप बंदा प्लेन बहुत अच्छा है यार, देख रहे हो कितना ज़्यादा गजब का है। और भाई इसने बहुत ज़्यादा साथ निभाया बेचारे ने, और वहाँ तक इसको कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। और हम सक्सेसफुली, तो सबसे ज़्यादा बात अच्छी दोस्तों यह है कि इस वाले प्लेन को लेकर हम यहाँ पर यहाँ तक जो है पहुँचे हैं। अब बस क्या करना है यार, अब गाइज इस प्लेन को फटाफट लेकर हमें जो है पहुँचना है इस वाली लोकेशन पर। ये यहाँ पर कौन सी लोकेशन है, इस वाली लोकेशन पर पहुँचना है। बस वहाँ पर हमने अगर गाड़ी को लगवा दी ना तो भाई बस मज़ा ही आ जाने वाला। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के लिए कम से कम पूरा दिन लगने वाला है, एक पूरा दिन लगेगा। और अगले दिन आफ्टरनून हम वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि हम यहाँ से जो है रात को निकलने वाले हैं। तो गाइज हम अब सीधा आपको मिलते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद, क्योंकि वहाँ पर जाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगने वाला है। तो चलो माइकल दादा सबसे पहले हम इस गाड़ी को अंदर लोड करवा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम सीधा आपको मिलते हैं वहीं पर। सो गाइज फाइनली हम इस लोकेशन पर पहुँच गए हैं। और ये रहा प्लेन, भाई प्लेन ने बहुत अच्छा साथ निभाया भाई अपना, ठीक है। अब हमने गाड़ी को उतरवा भी लिया, तो चलो भाई माइकल दादा हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। अगर मैं ड्रोन से आपको दिखाऊं इस लोकेशन के बारे में, तो दोस्तों इस लोकेशन के बारे में ना बालास को क्या उनके बाप को भी नहीं पता चलेगा। और पानी कितना नीचे है, और नीचे से यहाँ से इसके कितने बड़े बड़े प्रोपेलर्स लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर ये चलता भी रहता है, ठीक है, ये खड़ा ही नहीं होता, ये चलता भी रहता है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, मैं देख रहे हो अंदर, ठीक है। तो मैं इस गाड़ी को बेसिकली अंदर ही खड़ी करने वाला हूँ, मैं तो इस गाड़ी को बाहर खड़ी करूँगा अभी नहीं वॉल्स के। और ये बहुत ही बड़ी सी लोकेशन है दोस्तों, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ भाई, बस मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और ये जितनी भी भाई जगह है ना, ये पूरी की पूरी प्लेन उड़ाने के लिए रख रखी है इन लोगों ने, पूरी की पूरी जगह को भाई प्लेन उड़ाने के लिए रख रखा है। और हम टाइटन में इस वाले प्लेन को यहाँ, इस वाली सॉरी कार को यहाँ पर तो ले आए भाई। और हम रखने वाले हैं इस कार को यहाँ पर टॉप सीक्रेट लोकेशन पर दोस्तों। इस लोकेशन का ना, वैसे मुझे लगता दोस्तों इस लोकेशन का बालाज को क्या, बालाज के बाप को पता चलने वाला है। आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, एक बार कमेंट करके ज़ोर से बताइएगा। अब हम जा रहे हैं नीचे माइकल दादा और मैं,
यहाँ की जो सेफ्टी फीचर्स है, सिक्योरिटी, वो देखने, ठीक है। और हमने गाड़ी को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और मुझे तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लगता कि बालाज को इस सीक्रेट लोकेशन के बारे में हमारी पता चल सकता है या नहीं। अगर आपका आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, आप प्लीज़ एक बार हमें कॉमेंट करके अपनी राय जो है बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारा जो लाइक एम है वो कम्प्लीट करवाना। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, कॉमेंट करके अपनी राय बताइए। इसी तरीके से मैं भाई को प्यार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर से दबा देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ हम सबसे नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।